दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। आज हम जाने वाले हैं वृंदावन, वो भी अपने ये बाइक के साथ। तो आपको हम फुल जर्नी कराएंगे अपने बाइक के साथ वृंदावन, गुड़गांव टू वृंदावन। अभी हम आ चुके हैं ये सोना वाले रोड पर चल रहे हैं, और ये सामने है टोल प्लाजा। आप देख सकते हैं ये टोल प्लाजा के जस्ट हम लोग अभी जस्ट पार किए हैं, और यहाँ से हमारी जर्नी जो है वो अभी 217 किलोमीटर की है। और टोटल टाइम गूगल मैप दिखा रहा है, दो घंटे 11 मिनट अभी टाइम दिखा रहा है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाएंगे हम गुड़गांव टू वृंदावन की जितने भी आपको बीच में सड़कें होंगी, जितने भी अच्छे चीज़ होगा वो कवर करके दिखाएंगे अपने बाइक के साथ। दोस्तों, हम गुड़गांव से लगभग 4:30 के आसपास हम निकल चुके थे वृंदावन के लिए, और जो हमारी मेन फोकस था वो देखने के लिए वो था बांके बिहारी जी का आरती। इसलिए हम यहाँ से 4 बजे के आसपास यहाँ से हम निकल चुके थे। को चलाने के बाद हम पहुँच गए हैं, पलवल पार कर चुके हैं, और यहाँ से लगभग 1 से 1 घंटे लगेंगे पूरे हमारे को वृंदावन जाने के लिए। दोस्तों, अभी हम पलवल से निकल चुके हैं और देख सकते हैं सुबह का सूर्य भगवान का दर्शन, बहुत ही मस्त दर्शन हो रहा है सूर्य भगवान का। और यहाँ पे थोड़ा दूर चलने के बाद में यहाँ से लगभग हमारी अब 25 किलोमीटर है वृंदावन, और यहीं पे हम चाय पिए, और ऐसा है कुछ नज़ारा हाईवे का, और वहाँ हमने अपना बाइक खड़ा कर दिया है। और 35 मिनट बाद हम पहुँच जाते हैं वृंदावन के मेन गेट पर, आप देख सकते हैं। और पहुंचते ही हमें दर्शन होती है माता वैष्णो देवी का, और वो सामने देख सकते हैं आप दुर्गा जी का बहुत ही मस्त भव्य बनाया हुआ है मूर्ति। और यहाँ पे हम आकर के बांके बिहारी जी के पास में अपना बाइक को पार्क कर लेते हैं, और पार्क करने के बाद हम निकल जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। और यहीं से हम अपना प्रसाद लेते हैं और अपना बैग जमा करते हैं और अपना जूता खोल करके सीधा निकलते हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो हम अब निकल चुके हैं बांके बिहारी के, और देख सकते हैं आप यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं भीड़ तो बहुत ही काफ़ी है। और ये है अंदर का बांके बिहारी जी का नज़ारा, आप देख सकते हैं इतना भीड़ है इनके आंगन में कि आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कितना भीड़ है। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद हमारे जितने भी थकावट थे, जितना देर हमने बाइक चलाया था, वो सारी हमारी थकावटें जो है वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वो सारी थकावटें हमारी दूर हो गई है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको अगले मंदिर और अगले जितने भी वृंदावन के हैं सारे नज़ारे, और सारे छोटे छोटे मंदिर, बड़े मंदिर सारे दिखाएंगे। सबसे पहले हमने बांके बिहारी जी का दर्शन, अभी हम आ चुके हैं दूसरा मंदिर श्री राधा वल्लभ जी महाराज के मंदिर के पास, और चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर। और जब भी आप आओगे यहाँ पर तो जूता चप्पल आप बाहर यहाँ पर खोल सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम होती है। ये देख सकते हैं आप अंदर का आंगन का नज़ारा कैसा है। यहाँ भी श्री राधा वल्लभ जी का भी मंदिर हूबहू बांके बिहारी के जैसा ही है, देख सकते हैं आप ये पूरा नज़ारा। जो यहाँ पे कुछ भीड़ है लेकिन कम है, और यहाँ पे है श्री राधा वल्लभ जी महाराज। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट मंदिर, जो है वो है तीसरा मंदिर श्री राधा रमण जी का मंदिर। ये है इनका मेन गेट, यहीं से हमें जाना है। और जाने के बाद हमें वहाँ पता चला कि अभी मंदिर जो है वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज चुका है। तो थोड़ा देर वेट करने के बाद और थोड़ा देर भजन करने के बाद, थोड़ा देर कीर्तन करने के बाद, फाइनली थोड़ा देर वेट करने के बाद हम भी अपना भजन कीर्तन किए। और थोड़ा देर इंतज़ार के बाद फाइनली मंदिर का दरवाज़ा खुल चुका था, और बहुत ही भव्य लग रहा था नज़ारा वहाँ का, बहुत ही मस्त। जो सारे लोग श्री राधे 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 करके मतलब गूंज उठा था, ऐसा कि वहाँ मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही मस्त नज़ारा था। और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे वृंदावन के गलियों से होते हुए जमुना जी की ओर। हम जमुना जी की ओर जा ही होते हैं
तो हमें रास्ते में मिल जाता है देखने को निकुंज। निकुंज की विशेषता ये है कि यहाँ पे श्री राधा और कृष्ण का शयन कक्ष है और यहीं पे श्री राधा और कृष्ण जी आ करके स्नान करते थे और यहाँ पे अंदर इनका कुआं है और अंदर जो है वो फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर का कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ। और जब रास्ते में हम लोग जमुना जी की ओर बढ़ ही रहे थे तो हमें देखने को मिल गया लस्सी, तो वृंदावन की फेमस लस्सी और वो भी मलाई वाला, तो देखने का मज़ा ही आ गया। तो लस्सी अपना आराम से पिए और ये आप देख सकते हैं वृंदावन के आधुनिक और प्राचीन काल के घरों को, जो कि बहुत ही मस्त नज़ारा था, मतलब फीलिंग बहुत ही बढ़िया आ रहा था। और हम फाइनली पहुंच चुके थे जमुना जी के किनारे और ये है भ्रमघाट। भ्रमघाट के पास पहुंच करके और चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आगे क्या नज़ारा आपको। गमछा लेकर के चल रहे हैं, आपको भी पता है। तो अभी हम कहीं जा करके बैठेंगे, उसके बाद में शाम को ही अब कहीं निकलेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, कहीं विश्राम करते हैं। वो देख सकते हैं आप जमुना जी, हम लोग जमुना जी के पास पास से जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप वृंदावन आओगे तो आपको बता दें कि हम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो मंदिरें होती हैं वो ऑफ होती हैं और सुबह से लेकर के 12 बजे तक खुली रहती है लगभग सारे मंदिरें, और मतलब शाम को 4 बजे के बाद ही ओपन होती है। तो हम लोगों ने 4 घंटे टाइम को बिताने के लिए आए थे जमुना जी के किनारे। आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे जमुना जी का, और उन्हीं के जस्ट बगल में हमने यहाँ पे आकर के अपना 2-3 घंटा सोया और सोने के बाद अब हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं स्कोन मंदिर या प्रेम मंदिर। आगे देखने को मिलेगा वीडियो में, लगातार बने रहे। आप ये देख सकते हैं सुंदर सा जमुना जी का व्यू। हम लोग वहाँ से निकल नहीं रहे थे तो लोग बहुत सारे बोटिंग कर रहे थे, तो हमारी भी इच्छा हुई कि जा करके हम भी बोटिंग करें। बोटिंग करने हम भी चले गए और देख सकते हैं आप बोट से जमुना जी का नज़ारा, बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा लगा हमें। ये भी चीज़ हमें एक्सप्लोर करने में बहुत ही अच्छा लगा। आपको भी ये चीज़ जाएंगे तो बोटिंग करना चाहिए। वो बोटिंग करने के बाद हम पहुँच चुके थे निधिवन। निधिवन में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, फिर भी हमने बहुत ही मशक्क़त के साथ मेन गेट के पास हम आ चुके थे। और ये देखिए जब ही हम अंदर गए निधिवन में तो इतनी भीड़ थी कि भीड़ आगे बढ़ ही नहीं रही थी, तो हम वहीं से अपना वापस चले आए क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। निधिवन के बाद हम सीधा आ गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का आप ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं और यहाँ भी भीड़ थी, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भी, और भीड़ का तो कुछ कहना ही नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपको प्रेम मंदिर के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे झांकियाँ देखने को मिल जाएंगे, जैसे श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपने कान्ही अंगुली से ऊपर उठाए हुए हैं, राधे कृष्ण जी हैं, गोपियाँ हैं और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं और यहाँ पे श्री राधा और श्री कृष्ण जी अपना एक्टिविटी कर रहे हैं देख सकते हैं। वो है सीन जहाँ पे श्री कृष्ण जी बैठे हैं रथ पे और ऊपर हनुमान जी और यहाँ पे अर्जुन लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये है सीन, ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत ही मस्त है, मस्त मस्त झांकियाँ और भी हैं जो हमने कवर नहीं किया। और ये है नाइट व्यू प्रेम मंदिर का और ये है सारी भीड़ देख सकते हैं आप। कैसा लगा ये ब्लॉग आपको देखने में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं वृंदावन में ही दूसरा दिन को।